मैं केके शराबी उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को रिकमेंड किया कि आप इस क्लास को ज्वाइन करें और लगभग एक महीना हुआ है। एक मैंने 15 दिन मैंने जनरल कोर्स किया और 15 दिन ये गाइडबुक वाला, क्योंकि मेरी गाइडबुक बहुत हाई रहती थी। मैं 36 और 34 इंसुलिन लेता था, मॉर्निंग में 36 और रात में 34, और आपके योगा और प्राणायाम के द्वारा अब मैं 16-16 पे आ गया हूँ। और उसमें भी पोजिशन ये है कि और की संभावना है, मॉर्निंग में कई बार जो है तो मैडम को दिया भी हूँ, लग रहा है कि मेरी 74-76 भी चली आ रही है। तो मेरे को लग रहा है और स्कोप है कि मैं इंसुलिन की डोज को और कम कर सकूँ। और मेरी ये सोच है, माने मेरा उद्देश्य यही है, मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि मैं पूरा इंसुलिन जो है खोल दूँ। और जिस प्रकार से आपने पढ़ाया भोजन और ये सब के विषय में बताया, बहुत ही अच्छी नॉलेज। हम लोग को अपना लाइफ जीते हैं, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें खुद को नहीं जानकारी। हमारे अंग प्रत्यंग बॉडी में कहाँ पे हैं, क्या उनका फंक्शन है, इन सब के विषय में अपने को जानकारी नहीं। तो मैं अजय शर्मा जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने की पैनक्रिया, लीवर और ये सब क्या उनका फंक्शन है, कहाँ पे बॉडी में ये है, इन्होंने पूरा जो है सो विस्तृत वर्णन किया। अच्छा सुनीता जी, हम लोग एक गलत फहमी में थे कि हमें फल नहीं खाना चाहिए, और मैं फल खाता भी नहीं था, मैं केवल सुबह में खीरा ही जो है सो खाता था। लेकिन अब जब फल की आदत लग गई है तो फूड फूड भूख ब्रेकफास्ट में चाहिए ही नहीं, मैंने मन कि उसको जो है सो हम लोग खाएं, बस वो खीरा और वो ये अपना फ्रूट खा करके 800 ग्राम, जैसे मेरा वजन 80 किलो है तो 800 ग्राम मैं खा करके मैं ऑफिस चला जाता हूँ। दोपहर में आता हूँ तो फिर वह स्प्राउट लेता हूँ और एक रोटी खा करके फिर निकल जाता हूँ। तो और मैं अपने आप को बहुत ही लाइट फील कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके संस्था के साथ जुड़ा हूँ और मेरे को मौका मिला उसके साथ जुड़ने का।